आज की कंपेटिटिव दुनिया में एक करिज्मेटिक पर्सनालिटी होना बेहद जरूरी है। ऐसे पर्सनालिटी वाले लोग सुपरचार्ज्ड कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ के साथ जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। वो लोग ज्यादा इजीली न सिर्फ लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं बल्कि उन्हें इन्फ्लुएंस करके कई एडवांटेजेस भी लेते हैं। ऐसी क्वालिटीज उन्हें जिंदगी के हर क्षेत्र में सक्सेस अचीव करने में हेल्प करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपनी करिज्मेटिक पर्सनालिटी का यूज करके अपने टीचर्स से, अपने प्रोफेसर से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको इसके लिए एकेडमिक्स में स्ट्रांग भी होना पड़ेगा। अब अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो आप अपनी इस मैग्नेटिक पर्सनालिटी का यूज करके अपने कॉलीग्स और क्लाइंट से अच्छा रिपोर्ट बना सकते हैं। और अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आप अपनी करिज्मेटिक पर्सनालिटी का यूज करके अपने क्लाइंट्स एंड इवन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो ऑल इन ऑल, आज के इस वीडियो में देने जा रहा हूँ 5 प्रैक्टिकल टिप्स टू बिल्ड एन अट्रैक्टिव एंड करिज्मेटिक पर्सनालिटी दैट विल मेक यू अ पीपल मैग्नेट एंड 10x योर ग्रोथ बिफोर यू इवन रियलाइजिंग इट। 5वीं टिप बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वो प्रैक्टिस करे बिना बाकी 4 टिप्स का एडवांटेज भी आप नहीं ले पाएंगे। So let's jump into it. First tip है genuine interest in people and remembering details. Charismatic people genuinely care about others. They take out the time to know people and learn about their interests. जब आप किसी नए पर्सन से मिल रहे हैं तो खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए और उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। उनके नाम, बर्थडेज और बाकी डिटेल्स याद रखने की कोशिश कीजिए। अब हर किसी का तो नहीं, बट कुछ इंपॉर्टेंट लोगों की ये डिटेल्स तो जरूर याद रखिए। ये दिखाता है कि ना सिर्फ आप एक एक्टिव लिसनर हैं, बल्कि उनकी इस रिलेशनशिप को वैल्यू भी करते हैं। इससे आपका रिलेशनशिप बहुत रिवॉर्डिंग बन जाता है। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। कई साल पहले मेरी एक अमेरिकन क्लाइंट थी शेरी, जिनके साथ मैंने 2 साल यही इंडिया में बैठकर रिमोटली काम किया और उनकी एक बहुत ही क्रूशियल प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाया। इन 2 सालों में मैं उनसे कभी नहीं मिला, सिर्फ वर्चुअल मीटिंग्स पर काम होता रहा। अब काम के साथ साथ कभी कभी हम एक दूसरे के इंटरेस्ट्स, हॉबीज, फैमिली डिटेल्स एक्सेट्रा के बारे में बात कर लिया करते थे, और मुझे उनकी बेटी का नाम तो आज तक याद है। खैर, पॉइंट ये है कि उनसे इस तरह की रैपोर बनाने का इन्फ्लुएंस ऐसा हुआ कि जब मुझे एक बार उनसे फ्लोरिडा में मिलने का मौका मिला तो मेरी वीपी से उन्होंने मेरे काम और मेरी पर्सनैलिटी की बेहद तारीफ की। यहाँ तक कि एक ईमेल भी लिख डाला जिसने आगे चलकर उस ऑर्गेनाइजेशन में मेरी करियर ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ऐसे और भी कई एग्जांपल्स हैं जहाँ मैंने टाइम एंड अगेन अपने रिलेशनशिप्स को बहुत स्ट्रॉन्ग और रिवॉर्डिंग बनाया है। तो इस टिप को आप जरूर ट्राई करना एंड आई एम श्योर ये आपकी लाइफ में मल्टीपल विन विन सिचुएशंस क्रिएट कर देगा। सेकेंड टिप है पॉजिटिव एनर्जी। करिज्मेटिक पीपल ऑलवेज कैरी अ पॉजिटिव एटीट्यूड। वो लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, देयर बाय मेकिंग पीपल फील गुड अबाउट देमसेल्व्स। वो उनसे अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंस एंड लर्निंग शेयर करते हैं और कंप्लेन, गॉसिपिंग, गैसलाइटिंग से दूर ही रहते हैं। बाय द वे, गैसलाइटिंग एक इमोशनल अब्यूज होता है, और इससे आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जिसका लिंक मैं यहाँ पर आपको आई बटन में दे रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, जरूर चेकआउट कीजिए। एनीवे, कमिंग बैक टू आवर टिप, कैरिंग अ पॉजिटिव एनर्जी। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका दिन खराब जा रहा है तो भी पॉजिटिव फोकस रखने की कोशिश कीजिए। अपने किसी कॉलीग के साथ एक फनी स्टोरी शेयर कीजिए या किसी चीज के बारे में बात कीजिए जिसके लिए आप एक्साइटेड रहते हैं। अपने इंटरेक्शंस में पॉजिटिव एनर्जी लाने से आपके आसपास के लोगों को अच्छा लगेगा और वो आपके साथ रहना चाहेंगे। मैं जानता हूँ ये इजी नहीं होता है, स्पेशली जब आप परेशान होते हैं, बट ट्रस्ट मी, ये हैबिट को प्रैक्टिस करके आपको जबरदस्त पीस ऑफ माइंड मिलेगा। अब थर्ड है एंगेजिंग बॉडी लैंग्वेज। अब देखिए, बॉडी लैंग्वेज अपने आप में एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है जिसपे मैं आगे चल के जरूर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, बट अभी के लिए ये समझ लीजिए कि करिज्मेटिक पर्सनैलिटी वाले लोग एक एंगेजिंग बॉडी लैंग्वेज कैरी करते हैं। वो आपसे एक स्ट्रेट आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हैं, एक नेचुरल स्माइल कैरी करते हैं और एनर्जेटिक हैंड जेस्टर्स भी यूज करते हैं। ऑल्सो दे स्टैंड अप स्ट्रेट एंड मेंटेन अ कॉन्फिडेंट डिमीनर, जिसकी वजह से वो अप्रोचेबल भी लगते हैं। ट्रस्ट मी, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है जो लोगों को आपके कुछ बोलने से भी पहले इम्प्रेस कर सकता है। सो यूज दिस वाइजली। फोर्थ टिप है फाइंडिंग आउट शेयर्ड पैशंस। करिज्मेटिक लोग दूसरे लोगों के साथ एक कॉमन ग्राउंड ढूंढ लेते हैं। वो समय लेते हैं लोगों के इंटरेस्ट एंड पैशंस को जानने के लिए, और जब उनको एक कॉमन हैबिट या पैशन मिल जाता है तो वो उन टॉपिक्स पर बात करते हैं। ये उन्हें उन लोगों से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और रेपो बनाने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या इवन एक जॉब कर रहे हैं तो अपने बैचमेट्स या कोवर्कर्स से उनकी हॉबीज और पैशंस के बारे में पूछिए।
अगर कहीं आपको उनके साथ कोई कॉमन ग्राउंड मिल जाता है, जैसे स्पोर्ट्स, म्यूजिक, कॉफी, डिजाइनिंग एक्सेट्रा, तो उनसे उसके बारे में बात कीजिए। इस तरह आप उनके साथ एक इंस्टेंट रेपो बिल्ड कर पाएंगे एंड ऑफ कोर्स लाइकेबल भी बनेंगे। नाउ फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज टू रिप्लेस जेलसी विद इंस्पिरेशन। अगर आप इस वीडियो से सिर्फ एक ही टिप को फॉलो कर सकते हैं तो वो ये है। मैंने देखा है लोग कंपैरिजंस के जंजाल में इस कदर फंस जाते हैं कि वो अपने वर्स्ट को दूसरे के बेस्ट से ना सिर्फ कंपेयर करने लगते हैं, बल्कि ये भी भूल जाते हैं कि हम सभी की जर्नीज अलग होती हैं, सभी की स्टार्टिंग लाइंस डिफरेंट होती हैं, टाइमलाइंस, सर्कमस्टेंसेस, अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस, स्किल्स, एबिलिटीज, सब कुछ डिफरेंट होता है। तो फिर ये कंपैरिजन कैसे फेयर हो सकता है? अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन दिस पर्टिकुलर पीस इज अ टॉपिक फॉर अनदर डे, बट आज हम बात कर रहे हैं कि अपनी पर्सनालिटी में एक करिश्मा बिल्ड करने के लिए आपको क्या चाहिए। आप खुद सोचिए किसी भी ऐसे इंसान के बारे में जो आपको करिश्मेटिक लगता है, और मुझे बताइए कि क्या उनके नेचर या डिमीनर में आपने कभी भी जेलसी देखी है? अनश्योर नहीं देखी होगी। वेल, करिश्मेटिक लोग दूसरों से इंस्पिरेशन लेते हैं, जेलस नहीं होते। वो दूसरों में अच्छी चीजें देखते हैं और उनकी स्ट्रेंथ्स और अचीवमेंट्स को एडमायर किया करते हैं। वो दूसरे लोगों की सक्सेस से जलते नहीं हैं, बल्कि उनको अपने गोल्स अचीव करने के लिए मोटिवेशन के तौर पर यूज करते हैं। अगर आप किसी से मिलते हैं जिसने लाइफ का वो गोल अचीव कर लिया है जिसको आप भी चेस कर रहे हैं, तो पहले तो उनको कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए और उनको बताइए कि आप उनसे इंस्पिरेशन ड्रॉ कर रहे हैं। उनसे एडवाइस लीजिए, उनके एक्सपीरियंस से सीखिए और सोचिए आपने जो सीखा है उसको अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरों से इंस्पिरेशन लेकर आप मोटिवेटेड और फोकस्ड रहेंगे और अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। यही नहीं, दूसरों की अचीवमेंट्स या फेलियर्स से अगर आप अपनी हैप्पीनेस और सैडनेस को जोड़कर देखते हैं, तो आप अपने गोल्स पर, अपने पैशंस और अपने रिलेशनशिप्स पर कब फोकस कर पाएंगे? जरा सोचिए, जो अच्छा कर रहा है वो तो करता ही चला जाएगा, मगर आप अपनी लाइफ के इस क्रूशियल टाइम, एनर्जी और फोकस को गंवा बैठेंगे जो अदरवाइज आपको सक्सेसफुल बना सकता है। ऐसे आप और ज्यादा सेल्फ डाउट करने लगेंगे और इंपोस्टर सिंड्रोम के शिकार भी हो सकते हैं। वैसे इंपोस्टर सिंड्रोम क्या होता है और उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जो काफी हिट हुआ था। उसका लिंक भी मैं यहाँ पर आई बटन में आपको दे रहा हूँ, उसको जरूर देखिएगा। With that said, thank you for watching this video. I hope आज आपने फिर कुछ नया सीखा होगा और इस लर्निंग को अप्लाई करके यू विल अनलॉक द 2.0 यू। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। Till then, bloom and evolve.